हेलो दोस्तों, आज हम बोया के M1 माइक का रिव्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे इसे नॉर्मल हेडफोन से, किसके बोया के हेडफोन में और इस हेडफोन में साउंड में कितना अंतर आता है। इस वक्त साउंड मैं अपने फ़ोन के माइक्रोफोन से कर रहा हूँ, अभी ना इससे रिकॉर्ड हो रहा है ना इससे रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं, फिर हम इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ। सबसे पहले हम बाहर का देख लेते हैं। बोया का ओरिजिनल स्टिकर फॉर स्मार्टफोन, DSLR और PC वगैरह के लिए, और कुछ स्पेसिफिकेशन। अब हम इसे खोल के देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैनुअल इसमें बोया का माइक और वारंटी कार्ड। यह है बोया का माइक, उसमें ये इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इसे कैमरे के लिए करना है या स्मार्टफोन के लिए करना है। अब कैमरे के लिए करना है तो हम इसे ऊपर कर देंगे और स्मार्टफोन के लिए हम इसे नीचे कर देंगे। ये माइक है, और इसका ये 3.5 mm जैक, और ये लंबी सी डोरी काफ़ी बड़ी है, ये करीब 20 फुट की लाइन है। उसके अंदर माइक कवर करने के लिए ये कॉटन वाला कपड़ा, इसे ऐसे लगाया जाएगा। और ये बैटरी और ये होल्डर। ये क्लिप वाला होल्डर जिसे हम अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं और माइक को होल्ड कर सकते हैं। और ये बोया की बैटरी। LR44 कुछ ऐसे कुछ। सबसे पहले हम इसमें बैटरी डालते हैं। हम इसे स्मार्टफोन पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस नॉर्मल हेडफोन जो कि बोट कंपनी का है, इसका ट्राई कर लेते हैं, इसके अंदर माइक कैसे आता है। ये मैंने कर दिया। अब ये जो साउंड आ रही है इस बोट हेडफोन से आ रही है, तो आप इसमें जो कंपेयर कर सकते हैं ये फ़ोन का नॉर्मल माइक्रोफोन और इस बोट का माइक्रोफोन में कितना अंतर है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम इसके बाद बोया का माइक चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं इसमें कितना साउंड डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने इसमें बोया का माइक्रोफोन लगा लिया है, अब आपको इसमें कुछ क्लियरली साउंड समझ में आ रहा होगा, काफ़ी डिफरेंस आ रहा होगा उसमें समझ में। फ़ोन का नॉर्मल जो माइक्रोफोन होता है वो इस बोट के माइक्रोफोन से काफ़ी अंतर है इसके साउंड में। वैसे ये लो बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया माइक्रोफोन है। अगर आपको कुछ भी डिफरेंस समझ में आ रहा हो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, तो आप इसे बाय कर सकते हैं।